Student, hope you will be fine. Now we are doing question number 2 of exercise 3.2. What it is saying, compute the following. Okay, इनकी values आपने find out करनी है. तो पहला first part हमारे पास है. तो इसमें क्या करेंगे? First में first term add होगा a plus a. Second में second b plus b. ऐसे ही माइनस बी प्लस बी ए प्लस ए इस तरीके से इसमें ये ऐड कर दिया और इसको ये बन गया आपके पास 2a 2b 0 2a इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे. ओके स्टूडेंट, सेकंड पार्ट देख लेते हैं अब इसका. इसमें है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और माइनस का 2ac और माइनस का 2ab. क्या करेंगे फर्स्ट टर्म में? फर्स्ट टर्म को ऐड करेंगे फिर से. तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. सेकंड में सेकंड वाला ऐड करेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc. क्लियर? नाउ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. अब देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, आइडेंटिटी आपके पास ये. तो उसमें क्या बन जाएगा? ये पहला बना ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बन गया बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ये आ गया आपका ए माइनस सी का होल स्क्वायर और ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर. इस तरीके से आपका ये मैट्रिक्स सॉल्व हो गया. ओके स्टूडेंट, थर्ड पार्ट में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं. एडिशन है सिंपल, माइनस वन फोर माइनस सिक्स एट फाइव सिक्सटीन टू एट फाइव प्लस सेकेंड मैट्रिक्स है ट्वेल्व सेवन सिक्स एट जीरो फाइव थ्री टू फोर. हम ऐड करेंगे इसमें माइनस वन प्लस ट्वेल्व फोर प्लस सेवन माइनस सिक्स प्लस सिक्स. ये आ गया माइनस वन में ट्वेल्व ऐड किया फोर में सेवन माइनस सिक्स में सिक्स. ऐसे इसमें करेंगे आप एट में एट ऐड हो जाएगा फाइव में जीरो ऐड होगा और सिक्सटीन में फाइव ऐड हो जाएगा. ऐसे टू प्लस थ्री एट प्लस टू और फाइव प्लस फोर. सिंप्लीफाई होकर कितना आ गया? इलेवन इलेवन जीरो ये सिक्सटीन फाइव ट्वेंटी वन फाइव टेन और नाइन. इस तरीके का मैट्रिक्स आएगा. उसके बाद फोर्थ पार्ट देख लेते हैं. फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है? कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स. ये बन जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स में ये साइन स्क्वायर एक्स ऐड हो गया. ऐसे साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर ऐड कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स ये साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर ऐड साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. ऐसे cos स्क्वायर x में sin स्क्वायर x ऐड हो जाएगा. ये तो इसकी वैल्यू 1 होती है. इसकी वैल्यू 1 1 1 मैट्रिक्स सॉल्व करके क्या आ गया? 1 1 1 1 14 1 2 सिंस cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x = 1. तो इस तरीके से आप ये सॉल्व करेंगे एडिशन मैट्रिक्स.